नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं एमपी बोर्ड क्लास 12 जनरल इंग्लिश, जिसमें हम वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर करते आ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे लेसन 8, जो गीता नाम से है, जिसमें गीता ग्रंथ के बारे में बताया गया है। तो हम देखेंगे इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो देखें, इसका 24वां क्वेश्चन 2018-2020 में पूछा गया है, इसलिए बहुत ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है यह है। तो देखते हैं 24वां क्वेश्चन है क्या। व्हाई इज द गीता बियॉन्ड द मेयर इंटेलेक्ट, मतलब देखते हैं क्यों। व्हाई का मतलब होता है क्यों, द गीता जो ग्रंथ है उसकी बात की गई है, बियॉन्ड मतलब से परे होना या किसी भी चीज से भरा हुआ होना, द मेयर मतलब सिर्फ या केवल, इंटेलेक्ट मतलब बुद्धि होती है। तो यहाँ गीता सिर्फ बुद्धि से ही भरी हुई है, या फिर हम कह सकते हैं गीता केवल बुद्धि तक ही परे है, ऐसा क्यों। तो देखिए, इस पाठ में जो गीता नामक पुस्तक है उसमें केवल बुद्धि बुद्धि वाली चीजों की बात की गई है, इसलिए यह बुद्धि तक परे है, और इसमें हृदय के लिए सब बातें कही गई हैं। तो हमें हृदय से समझ होना चाहिए हर बातें समझने की, तो बुद्धि होना तो बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो देखिए क्या आंसर बताया गया, गीता केवल बुद्धि तक ही इसलिए परे है क्योंकि इसे मतलब इस गीता को हृदय द्वारा समझ होने की सक्षमता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप दिल से समझना चाहिए इस गीता को। और क्यों, क्योंकि यह हृदय के लिए ही तो संबोधित की गई है, मतलब आत्मा के लिए ही तो गीता बताई गई है कि आत्मा अमर है। तो मतलब हम कह सकते हैं हृदय के लिए ही तो अनिवार्य रूप से संबोधित की गई है, इसलिए इसे बुद्धि से समझना ही आवश्यक है। तो केवल बुद्धि वाली चीजें ही हैं, इसलिए यह बुद्धि से परे है। तो देखिए, हम इन दोनों लाइनों को ट्रांसलेट कैसे करते हैं। पहली लाइन तो बिल्कुल क्वेश्चन की ही हमने लिखी है। अब यहाँ पे दूसरी लाइन को आप ध्यान से समझना। तो आपको पता होगा हृदय के लिए हार्ट कहते हैं, हार्ट मतलब होता है हृदय। और फिर यहाँ पे सक्षमता, तो यहाँ सक्षमता वैसे एबिलिटी भी कह सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक नया शब्द लिखा गया है कैपेबल। ठीक है ना, कैपेबल का मतलब भी होता है सक्षमता, तो कैपेबल शब्द हम लिखेंगे। और फिर यहाँ पे अनिवार्य रूप से होता है एजेंटली। ठीक है ना, तो एजेंटली का मतलब होता है अनिवार्य रूप से, तो एजेंटियली मतलब होता है अनिवार्य रूप से। और एड्रेस्ट मतलब संबोधित, ये तो आपको पता है एड्रेस्ट मतलब संबोधित होता है, और एजेंटली मतलब अनिवार्य रूप से, तो एजेंटली एड्रेस्ट कहेंगे, अनिवार्य रूप से संबोधित किया गया है। और फिर किसके लिए, टू द हार्ट हृदय के लिए, एंड कैपेबल मतलब सक्षमता ऑफ बीइंग, बीइंग मतलब होने की, ठीक है ना, बीइंग मतलब होना होता है, ऑफ बीइंग मतलब होने की, और अंडरस्टूड होती है समझ। तो यहाँ तो अंडरस्टूड आप लोगों को पता होगा या अंडरस्टैंडिंग सुना होगा, तो अंडरस्टूड लिखा गया है समझ के लिए। और फिर वाय द हार्ट हो गया, और इट मतलब इसे, मतलब इस गीता की बात हो रही है। तो देखिए ज्यादा शब्द कठिन नहीं है, हार्ट मतलब हृदय हो गया, कैपेबल सक्षमता हो गई, और बीइंग मतलब होने की बात हो गई, एजेंटली मतलब अनिवार्य रूप से, एजेंटली एड्रेस्ड अनिवार्य रूप से संबोधित किया गया है। और फिर टू द हार्ट हृदय के लिए, एंड कैपेबल ऑफ बीइंग, और फिर अंडरस्टूड वाय द हार्ट हो जाएगा। तो देखिए ज्यादा कठिन नहीं, बस आप एक बार ध्यान से यदि समझ लेंगे तो आराम से बन जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, इट, और यहाँ पे देखिए सहायक क्रिया हम लगाने वाले हैं इज, क्योंकि यह वाक्य जो है पैसिव वॉइस में बन रहा था। यहाँ पे हम कह सकते हैं संबोधित किया जाता है, यदि कह देते तो जरूर आपको अच्छे से समझ आ जाता, लेकिन संबोधित किया गया है तब भी एक ही बात है। तो यहाँ पैसिव वॉइस में है, तो इज एमआर के साथ आपको थर्ड फॉर्म जोड़ना होगा, तो एजेंटली एड्रेस्ड कहेंगे हम। तो यहाँ पे इट इज एजेंटली एड्रेस्ड, और फिर टू द हार्ट मतलब हृदय के लिए, टू द हार्ट, एंड कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड, और फिर बाय द हार्ट मतलब हृदय के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे इट इज एजेंटली एड्रेस्ड, अनिवार्य रूप से संबोधित किया गया है, टू द हार्ट हृदय के लिए, एंड कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड बाय हार्ट हो जाएगा।
तो देखिए पहली लाइन क्वेश्चन की है, एज सहायक क्रिया अपने स्थान पे आ जाएगी। तो देखिए यहां से यहां तक आप क्वेश्चन लिख देंगे कि द गीता इज बियॉन्ड द मेयर इंटेलेक्ट, और लास्ट में लिख देंगे बिकॉज, मतलब क्योंकि। तो द गीता इज बियॉन्ड द मेयर इंटेलेक्ट बिकॉज, क्योंकि, और फिर इट इज इजेंटली एड्रेस्ड टू द हार्ट एंड कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड बाय हार्ट हो जाएगा। तो देखिए आंसर इस प्रकार से बना है, एक लाइन क्वेश्चन की हो गई कि द गीता इज बियॉन्ड द मेयर इंटेलेक्ट, और फिर बिकॉज मतलब क्योंकि, फिर इट इज इजेंटली एड्रेस्ड, इसे अनिवार्य रूप से संबोधित किया जाता है या किया गया है, टू द हार्ट हृदय के लिए, एंड कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड समझ होने की सक्षमता के लिए, बाय हार्ट हृदय के द्वारा। तो देखिए इसमें एक लाइन ही थोड़ी सी कठिन है, लेकिन एक दो बार आप ट्राई करेंगे बिल्कुल आपसे बन जाएगी। इसके बाद अगला 25वां क्वेश्चन भी 2013-14 में पूछा गया है, तो यह भी क्वेश्चन आईएमपी है। तो देखिए 25वां क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज द ऑदर लेखक क्यों से कहता है दैट की द गीता इज नॉट, गीता नहीं है, फॉर दोज, उन लोगों के लिए नहीं है, हु मतलब जो, हैव नो फेथ, जो कोई विश्वास नहीं रखते हैं। तो लेखक ऐसा कहता है कि गीता उन लोगों के लिए नहीं है जो उसमें विश्वास ही नहीं रखते हैं, ऐसा क्यों? तो देखिए लेखक ने कहा है कि गीता में केवल बुद्धि वाली चीजें हैं, इसे हृदय से समझ होने की सक्षमता होनी चाहिए, और इसे गीता को जो है हृदय के लिए ही तो बताया गया है, और हृदय जो होता है तर्क से परे होता है, मतलब दिल जो होता है हमारा, आत्मा जो होती है एक तर्क पर आधारित होती है, और इसके लिए विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यदि विश्वास नहीं है तो आप गीता को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए विश्वास होना ही चाहिए। तो लेखक ने कह दिया है गीता उन लोगों के लिए नहीं है जो विश्वास ही नहीं रखते हैं। तो देखिए आंसर बताया गया, लेखक ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि गीता केवल बुद्धि तक ही परे है, इसे हृदय द्वारा समझ होने की सक्षमता होनी चाहिए, क्योंकि यह हृदय के लिए अनिवार्य रूप से संबोधित है, और हृदय तर्क से परे है, यह विश्वास पर आधारित है। तो देखिए यहाँ पे आंसर भले ही बड़ा लग रहा है, लेकिन यह दो लाइनें अभी हमने ऊपर जो है समझ के रखी है, तो यहां ज्यादा कठिन फिर नहीं होगा आंसर। तो देखिए इन लाइनों में सबसे बड़ी लाइन यह थी, और यह हमने पहले ही समझ ली थी। क्या थी यह लाइन, देखिए हमने बताया था यहाँ पे हार्ट हृदय हो गया, कैपेबल सक्षमता बीइंग मतलब होने की बात, और एजेंटली एड्रेस्ड मतलब अनिवार्य रूप से संबोधित किया गया, और फिर अंडरस्टूड मतलब समझ। तो देखिए एजेंटली एड्रेस्ड मतलब अनिवार्य रूप से संबोधित किया गया है, और फिर टू द हार्ट हृदय के लिए, एंड कैपेबल सक्षमता ऑफ बीइंग मतलब होने की, अंडरस्टूड समझ होने की, बाय हार्ट हृदय के द्वारा, और इट मतलब इसे। तो देखिए यहाँ पे हमने सेंटेंस कैसे बनाया था, इट इज एजेंटली एड्रेस्ड, इसे अनिवार्य रूप से संबोधित किया गया है, टू द हार्ट हृदय के लिए, एंड कैपेबल सक्षमता ऑफ बीइंग होने की, अंडरस्टूड वाय हार्ट हृदय के द्वारा। तो इस प्रकार से हमने यह लाइन आपको बताई थी, बाकी की लाइन अब देखते हैं। तो ध्यान देना यहां पहली लाइन यदि हम देखें, लेखक ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि, तो देखिए पहली लाइन लेखक मतलब यहाँ पे द ऑदर लेखक, कहना मतलब से, और इसलिए और क्योंकि एक साथ आते हैं, तो यहाँ पे आप इसलिए को नहीं लिखते हैं, क्योंकि को लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पहली लाइन प्रेजेंट सिंपल, द ऑदर लेखक से में एस जोड़ेंगे आप, तो यहाँ प्रेजेंट सिंपल है, इस वजह से सेज हो जाएगा, तो यहाँ द ऑदर सेज लेखक कहता है। अब देखिए ऐसा, देखे ना ऐसा मतलब यह बात यहाँ पे लिखी थी, लेकिन यहाँ तो नहीं हम लिख रहे हैं, तो ऐसा के लिए हमें जो वर्ड लिखना होगा वो कौन सा वर्ड होता है, एस ओ, सो का मतलब होता है ऐसा। तो देखिए हमने फिर यहाँ पे वाक्य बनाया, द ऑदर सेज सो मतलब ऐसा, और बिकॉज मतलब क्योंकि हो जाएगा। इसके बाद देखिए गीता केवल बुद्धि तक ही परे है, तो यहाँ गीता को तो गीता ही हमने लिखा था, और यहाँ पे केवल, केवल मतलब हमने बताया था आपको द मेयर, मेयर बताया था हमने, तो द मेयर, और इंटेलेक्ट मतलब बुद्धि की बात करी थी, तो इंटेलेक्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ था, और फिर इसके बाद
तक ही परे होना बियॉन्ड होता है, ठीक है ना। तो यहां पे हमने बियॉन्ड बताया था, से परे या तक परे होना, तो बियॉन्ड हो जाएगा। और यहां पे द मेयर इंटेलेक्ट, तो द गीता इज सहायक क्रिया लगी थी, तो द गीता इज बियॉन्ड द मेयर इंटेलेक्ट था, तो द गीता इज बियॉन्ड द मेयर इंटेलेक्ट। और फिर यहां पे इट इज जेंटली एड्रेस्ड टू द हार्ट एंड कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड बाय हार्ट। और फिर अगली लाइन देखिए, हृदय तर्क से परे है। यहाँ पे तर्क के लिए क्या कहते हैं, रीजन कहते हैं तर्क के लिए, ठीक है ना। रीजन मतलब होता है तर्क, और से परे मतलब होता है बियॉन्ड। तो यहाँ पे हृदय जो होता है, मतलब कह सकते हैं हम द हार्ट जो हृदय है वो इस सहाय क्रिया फिर यहाँ पे लगाएंगे, तो द हार्ट इज और फिर बियॉन्ड और फिर रीजन हो जाएगा कारण या फिर तर्क के लिए। तो यहाँ पे द हार्ट इज बियॉन्ड रीजन, और फिर इसके बाद देखिए यह विश्वास पर आधारित है, मतलब यह गीता जो है विश्वास पर आधारित है, तो हम कहेंगे इट इज सहायक क्रिया फिर होगी, इट इज और आधारित मतलब होता है बेस्ड, ठीक है ना। बेस्ड मतलब होता है आधारित, तो हम कह सकते हैं इट इज बेस्ड, मतलब यह आधारित है ऑन फेथ मतलब विश्वास पर। यहाँ पे देखिए लिखा था यहाँ फेथ मतलब विश्वास, ऑन मतलब पर, तो ऑन फेथ मतलब विश्वास पर। इट इज बेस्ड यह आधारित है ऑन फेथ मतलब विश्वास पर आधारित है। तो देखिए पूरा आंसर कैसे बनाया है, द ऑदर सेज सो बिकॉज, क्योंकि द गीता इज बियॉन्ड द मेयर इंटेलेक्ट, इट इज एजेंटली एड्रेस्ड टू द हार्ट एंड कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड बाय हार्ट। और फिर द हार्ट इज बियॉन्ड रीजन, इट इज बेस्ड ऑन फेथ। तो देखिए इस प्रकार से आंसर बना है, द ऑदर सेज सो, लेखक ऐसा इसलिए कहता है बिकॉज, क्योंकि अब द गीता इज बियॉन्ड के गीता परे है, द मेयर इंटेलेक्ट सिर्फ बुद्धि से ही परे है, इट इज एजेंटली एड्रेस्ड इसे अनिवार्य रूप से संबोधित किया जाता है या किया गया है टू द हार्ट हृदय के लिए, एंड कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड और समझ होनी चाहिए, समझ होने की सक्षमता होनी चाहिए बाय हार्ट हृदय के द्वारा, और फिर द हार्ट इज बियॉन्ड रीजन हृदय तर्क से परे है, और इट इज बेस्ड ऑन फेथ यह विश्वास पर आधारित है। तो देखिए यह आंसर और पिछला आंसर दोनों लगभग एक से ही हैं, तो यहां पे यदि आप पिछला आंसर याद कर लेते हैं तो यह आंसर भी आपसे आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला 26वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 2012-2014 में पूछा गया है। तो देखिए अगला 26वां क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हैं बाय डूज एंड डोंट्स। तो यहां पे देखिए डू अपोस्ट्राफी एस, डू मतलब करने और अपोस्ट्राफी एस मतलब का, तो करने का और ना करने का, या फिर हम कह सकते हैं करने और ना करने से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इस पाठ में बताया गया है करने का अर्थ होता है वह कार्य जो सही है, सही वाले कार्यों को कहा गया है करने के कार्य, हमें सही वाले कार्य करने का अभ्यास करते रहना चाहिए, और ना करने का अर्थ है गलत काम जो हमें नहीं करने चाहिए। तो देखिए आंसर में क्या बताया गया, करने का अर्थ होता है वह कार्य जो सही हैं और हमें उन्हीं का अभ्यास भी करना चाहिए, ना करने का अर्थ है वह कार्य जो गलत हैं और हमें उन्हें नहीं करना चाहिए। तो देखिए इन लाइनों को आप कैसे बनाएंगे, देखिए बहुत सरल सी लाइनें हैं। पहला तो शब्द आप याद रखें, मीन का मतलब होता है अर्थ होना या मतलब होना, तो यहां मीन हो जाएगा एक शब्द हो गया। और फिर यहां पे जो के लिए देखिए हु कहते हैं किसी व्यक्ति के लिए, लेकिन दैट जो है किसी निर्जीव के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और सजीव के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे जो शब्द के लिए हु नहीं कहेंगे, क्योंकि हु केवल व्यक्तियों के लिए होता है, दैट वर्ड कह सकते हैं या विच भी वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर अभ्यास करना आपको पता है प्रैक्टिस होता है अभ्यास, और राइट मतलब सही होता है, रॉन्ग मतलब गलत होता है, ये तो आपको पता ही है। और फिर कार्य के लिए यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, एक्ट्स मतलब कार्य, और बाकी सब वर्ड आप लोगों को पता होंगे। तो देखिए करने का
मतलब हम कह सकते हैं डूज मतलब करने का, और फिर मीन मतलब अर्थ होता है लेकिन प्रेजेंट सिंपल है तो मीन्स हम करेंगे, तो यहाँ पे डूज मतलब करने का, मीन्स अर्थ होता है द एक्ट्स वह कार्य। अब देखिए एक वचन में कार्य नहीं है, बहुवचन में, तो द एक्ट्स वह कार्य, दैट और फिर जो आर राइट जो सही है, ठीक है ना। तो पहली लाइन कैसे बना दी हमने के डूज मतलब करने का मीन्स अर्थ होता है द एक्ट्स वह कार्य दैट आर राइट जो सही हैं। अब देखिए उसी जैसी यह लाइन होगी, बीच वाली लाइन को हम थोड़ी बाद में बताएं। ना करने का मतलब होता है डोंट्स और मीन्स मतलब अर्थ होता है और द एक्ट्स वह कार्य दैट आर फिर सहायक क्रिया लगा के और रॉन्ग मतलब गलत, ठीक है। तो यहां पे डोंट्स मतलब यहाँ पे ना करने का मीन्स अर्थ होता है द एक्ट्स वह कार्य दैट आर रॉन्ग जो गलत है, ठीक है ना। दोनों वाक्य बिल्कुल एक से हैं, यहाँ पे डूज मीन्स द एक्ट्स दैट आर राइट और यहाँ डोंट्स मीन्स द एक्ट्स दैट आर रॉन्ग, बन जाएगा ना। अब देखिए एंड वी और हमें, एंड वी और हमें उन्हीं का अभ्यास करना चाहिए, मतलब प्रैक्टिस चाहिए वाला वाक्य यदि आता है तो आप शुड लगा के बनाते हैं, तो एंड वी शुड और हमें चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए और फिर उन्हीं का मतलब हम कह सकते हैं देम, मतलब यहाँ बहुत सारे कार्य हैं उन कार्यों का हमें अभ्यास करना चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा देम। लेकिन का शब्द के लिए कुछ नहीं लिखा जाएगा क्योंकि क्रिया के बाद का शब्द नहीं लिखा जाता है, तो सीधा आ जाएगा देम। तो एंड वी और हमें शुड चाहिए, प्रैक्टिस अभ्यास करना चाहिए, देम मतलब उनका, उन कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। यहां भी देखिए एंड वी और हमें, एंड वी और हमें शुड मतलब चाहिए, नॉट डू नहीं करना चाहिए, देम मतलब उन्हें। तो देखिए यहां एंड वी शुड नॉट डू देम और हमें उन्हें नहीं करना चाहिए, तो इस प्रकार से देखिए पूरा आंसर क्या बनेगा, डूज मतलब करने का मीन्स अर्थ होता है द एक्स वह कार्य दैट आर राइट जो सही है एंड वी और हमें शुड प्रैक्टिस अभ्यास करना चाहिए, देम उन्हीं का अभ्यास करना चाहिए, डोंट्स मतलब ना करने का मीन्स अर्थ होता है द एक्स वह कार्य दैट आर रॉन्ग जो गलत है एंड वी और हमें शुड नॉट डू नहीं करना चाहिए, देम उन्हें नहीं करना चाहिए। तो देखिए आंसर इस प्रकार से बना है, डूज मीन्स मतलब करने का अर्थ होता है द एक्ट्स वह कार्य दैट आर राइट जो सही है एंड वी शुड और हमें का चाहिए प्रैक्टिस करना चाहिए, देम उनका प्रैक्टिस करना चाहिए, डोंट मीन्स मतलब ना करने का अर्थ होता है द एक्ट्स वह कार्य दैट आर रॉन्ग जो गलत है एंड वी शुड नॉट डू और हमें नहीं करना चाहिए, देम उन्हें नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए यह आंसर तो सरल है, एक दो बार ट्रांसलेट करेंगे आराम से बनने लगेगा। तो देखिए हमने तीन महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, आगे एक दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन और बचता है जो कि हम आगे की वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।